Hello everyone, myself Dr. Rajiv Gupta. I am taking a lecture series on paper solutions of organic chemistry. This paper is Sardar Patel University external exam paper. The year is 2018. This paper solution is the part 1. The first question is carbon atom number 3 in 2R4S dihydroxypentane is, the first option is prochiral, the second option is pseudochiral, the third option is stereogenic and fourth option is achiral. सो हमको इसमें ये बताना है कि जो थर्ड नंबर कार्बन एटम है पेंटेन कार्बन चेन में, फाइव मेंबर्ड कार्बन चेन में जो थर्ड नंबर कार्बन एटम है उसकी नेचर क्या है, स्टीरियोकेमिकली उसकी नेचर क्या है, प्रोकिरेल है, स्यूडोकिरेल है, स्टीरियोजेनिक है या एकाइरोटॉपिक है। तो सबसे पहले हम इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हम इसका फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो इस मॉलिक्यूल में टोटल दो किरल सेंटर हैं और बीच वाला जो कार्बन है उसके बारे में हमको बताना है कि वो क्या होगा। दिस इज मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स और टू आर एंड फोर एस डाईहाइड्रोक्सी यानी एल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो सेकंड नंबर कार्बन एटम है उस पर इस साइड प्रेजेंट होगा। ओके, ओ एच नंबर अगर हम करें तो वन नंबर टू थ्री एंड फोर, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा R, और यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर S रखना है हमको तो हम ये रखेंगे ए साइड, वन टू, ओके वन टू थ्री एंड फोर, दिस इज क्लॉक वाइज मूवमेंट बट रिवर्स अवर आंसर बिकॉज हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो दिस इज एस। तो इस मॉलिक्यूल में हमको देखना है कि ये जो कार्बन एटम है सेंटर वाला, दैट इज कार्बन नंबर थ्री, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, दिस कार्बन नंबर थ्री इज प्रोकिरेल, स्यूडोकिरेल, स्टीरोजेनिक और एकाइरोटॉपिक। तो देखिए स्टीरोजेनिक कौन सा होता है जिसमें हम कोई भी दो ग्रुप्स की अगर पोजीशन इंटरचेंज करें तो एक नया स्टीरियो आइसोमर बने, लेकिन इस कार्बन एटम से जुड़े हुए दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स कैसे हैं, सेम हैं, तो स्टीरोजेनिक ये नहीं हो सकता। ओके उसके बाद में अगर हम प्रोकिरेल देखें तो ये प्रोकिरेल भी नहीं हो सकता। प्रोकिरेल सेंटर कौन सा सेंटर है जो जिस पर अगर हम दो सिमिलर सब्सिट्यूएंट्स में से किसी एक को अगर रिप्लेस कर दें तो हमको किरेल सेंटर मिल जाए, लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों ग्रुप्स तो सेम हैं, दीज बोथ ग्रुप्स आर सेम। तो अगर आप इनमें किसी को भी, दोनों हाइड्रोजन्स में से किसी भी को भी सब्सिट्यूट करोगे किसी नए ग्रुप से तो ये किरेल सेंटर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये यहाँ पर प्रोकिरेल सेंटर भी नहीं है। ओके नाउ अगर हम देखें एकाइरोटॉपिक, तो एकाइरोटॉपिक भी ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम एकाइरोटॉपिक से ज़्यादा बेटर ऑप्शन यहाँ पर होगा कि हम इसको स्यूडो किरेल सेंटर बोलें। फर्स्ट आए तो यहां पर इस कार्बन एटम में देखिए अगर आप ये हाइड्रोजन एटम्स में से किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को किसी भी अन्य ग्रुप से रिप्लेस कर दे, जैसे क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, मिथाइल, एनीथिंग, किसी भी अन्य ग्रुप से आप अगर रिप्लेस करोगे तो ये वाला जो कार्बन होगा वो स्यूडो किरेल कार्बन बन जाएगा। और स्यूडो किरेल कार्बन कौन सा कार्बन एटम होता है जो कि जिसके कि चारों की चारों ग्रुप्स डिफरेंट नहीं होते, मतलब दो ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे और दो अन्य ग्रुप्स जो बचे हुए ग्रुप्स हैं वो सेम होंगे, लेकिन
उन दोनों सेम ग्रुप्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होगा, यानी एक का आर होगा तो दूसरे का एस होगा। तो इस तरह का जो सेंटर होता है, कार्बन होता है, जो साइट होती है, उसको हम स्यूडो किरैल कार्बन कहते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सेकेंड आंसर, दैट इज स्यूडो किरैल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिलीन हाइड्रोजन्स इन सिस 1-2 डाई ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन आर। तो सबसे पहले हम 1-2 सिस 1-2 डाई क्लोरो डाई ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, जहाँ पर कि दोनों की दोनों ब्रोमीन एटम सेम साइड में होंगे, सेम पोजीशन पे होंगे, क्योंकि ये सिस आइसोमर है इसका, दोनों की दोनों ब्रोमीन एक साइड में, यहाँ पर ये हाइड्रोजन्स हो गए। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, मिथिलीन हाइड्रोजन्स इन दिस कंपाउंड आर, तो उनके बीच में हमको टॉपिक रिलेशन बताना है। मिथिलीन हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पर मिथिलीन हाइड्रोजन्स कौन से हैं, ये वाले हाइड्रोजन्स, दिस इज सी एच टू ग्रुप, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दिस इज सी एच टू ग्रुप। तो सी एच टू ग्रुप में अगर हम नाम देते हैं एच ए एंड एच बी, दोनों हाइड्रोजन्स को एच ए और एच बी से बताएं, तो इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में या इन दोनों लिगेंड्स के बीच में हमको टॉपिक रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो टॉपिक रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पर सिमेट्रिक क्राइटेरिया आना चाहिए, कि पहले हम सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री अप्लाई करके देखते हैं। अगर सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री अप्लाई हो जाता है तो एच ए और एच बी जो हैं वो होमोटॉपिक होते हैं, अगर अप्लाई नहीं होता है तो ये हेटरोटॉपिक होते हैं। और हेटरोटॉपिक के अंदर फिर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई होता है तो वो एनिशियोटॉपिक होते हैं, और प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई नहीं होता है तो फिर वो डायस्टेरियोटॉपिक होते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक रिलेशन ही देख लेते हैं। तो सपोज कीजिए अगर आप यहाँ से 180 डिग्री रोटेशन करते हो सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए, तो एच ए एच बी की जगह आ जाएगा, एच बी एच ए की जगह चला जाएगा, लेकिन ये दोनों के दोनों ब्रोमीन जो कि नीचे की तरफ हैं वो ऊपर आ जाएंगे, मतलब मॉलिक्यूल आपको डिफरेंट दिखाई देगा, मीन्स सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री अप्लाई नहीं होगा, तो ये हेटरोटॉपिक होंगे। अब हेटरोटॉपिक के अंदर भी हमको एनिशियोटॉपिक या डायस्टेरियोटॉपिक चेक करना है, तो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री वो वाला अप्लाई करेंगे जिसमें दोनों की दोनों हाइड्रोजन एटम्स एच ए और एच बी एक दूसरे की मिरर इमेज बने। तो ये तो मिरर इमेज बन रहे हैं, और हम कौन सा प्लेन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूलर प्लेन, द प्लेन इन विच द साइक्लोप्रोपेन रिंग सिचुएटेड। लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो नीचे की साइड है, और ऊपर की तरफ इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि ये मिरर इमेज नहीं बनेंगे, तो ये कैसे होंगे, डायस्टीरियोटॉपिक। सो दीज बोथ मिथिलीन हाइड्रोजन्स इन दिस सिस 1-2 डाई ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन आर डायस्टीरियोटॉपिक। ओके, अब इसमें एक चीज और चेक करनी है, तो हमारे ऑप्शन 1 और 4 दोनों हो सकते हैं, जिसमें ऑप्शन 1 में भी डायस्टेरियोटॉपिक दिया है, ऑप्शन 4 में भी डायस्टेरियोटॉपिक है, तो ये दोनों ऑप्शंस यहाँ करेक्ट हो सकते हैं। तो अब हमको दूसरी चीज चेक करनी है, दैट इज काइरोटॉपिक और एकाइरोटॉपिक। काइरोटॉपिक मींस अगर हम एच ए और एच बी में से किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को किसी दूसरे किसी नए सब्सटीट्यूएंट से सब्सटीट्यूट कर दें, तो ये कार्बन एटम किरैल सेंटर में कन्वर्ट होगा या नहीं। अगर ये किरैल सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये काइरोटॉपिक कहलाएगा, और अगर ये किरैल सेंटर में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये एकाइरोटॉपिक कहलाएगा। तो मैं अगेन इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं, ब्रोमीन एटम ब्रोमीन, नाउ दिस हाइड्रोजन, और इस ऊपर वाले हाइड्रोजन की जगह सपोज मैं क्लोरीन एटम जोड़ देता हूं। ओके, अब आपको देखना है कि ये जो कार्बन एटम पहले एक किरैल था वो अब किरैल कार्बन में कन्वर्ट हुआ या नहीं। तो किरैल कार्बन क्या होता है, एक ऐसा टेट्राहेड्रल कार्बन, एक ऐसा sp3 हाइब्रिड कार्बन जिसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट हों। तो देखिए इससे जुड़े हुए जो चारों ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन। अब आप इस तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, CHBr। इस तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, CHBr। मीन्स दोनों की दोनों तरफ जो ग्रुप्स हैं, दो दोनों की तरफ इसका एनवायरनमेंट है वो सेम है, मतलब ये वाला कार्बन कैसा कार्बन होगा, एक आयरोटॉपिक, मतलब ये एक किरैल कार्बन है, तो ये कार्बन एक्चुअल में ये वाला कार्बन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आयरोटॉपिक, बिकॉज ये किरैल सेंटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता अगर हम किसी एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक आयरोटॉपिक एंड डायस्टीरियोटॉपिक।
Now next question. What is ipso substitution? List the factors responsible for it. तो इस पर ipso substitution क्या होगा और कौन-कौन से factors हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं, जो इसके लिए responsible हो सकते हैं? तो इस ipso substitution generally हमको aromatic compounds में देखने को मिलता है. Aromatic compounds में या aromatic ring में अगर already कोई substituent present है, यानी कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, यानी बेंजीन रिंग पर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दैट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. तो उस केस में टोटल हमारे पास चार टाइप की पोजीशंस आती हैं एरोमेटिक रिंग के ऊपर. चार टाइप की पोजीशंस आती हैं. एक तो पोजीशन है ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन और इप्सो पोजीशन. अब इप्सो पोजीशन is that position where that substituent is directly attached to that carbon atom. That carbon atom is called our ipso position. अगर ipso position पर कोई electrophile या nucleophile आकर attack करता है और वहाँ पर substitution reaction देता है, तो हम उसको ipso substitution कहते हैं. तो इसका सबसे best example है aryl silanes, यानी benzene ring के ऊपर silane group अगर attached है, तो इस तरह के जो compounds हैं वो यहाँ पर इप्सो सब्स्टिट्यूशन देते हैं, जहाँ पे सीलेन ग्रुप किसी अदर इलेक्ट्रोफाइल से यहाँ पर रिप्लेस हो जाता है या सब्स्टिट्यूट हो जाता है. सो दीज एराइल सीलेन्स अंडरगो इप्सो सब्स्टिट्यूशन विद इलेक्ट्रोफाइल्स. द मैकेनिज्म इज द सेम टाइप. मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम टाइप का होगा जैसे हम किसी भी कोई भी नॉर्मल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, कोई भी हम सिंपल फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन होगा. तो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन जैसी ही कंडीशंस इसमें अप्लाई होंगी. ओके, अब इसमें ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस अवेलेबल हैं. ओके, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा? इप्सो पोजीशन पर. देयर इज जस्ट वन रूल, द सिलाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल एट द सेम एटम ऑन द रिंग. यानी इप्सो पोजीशन पर या उस साइट पर जहाँ पर डायरेक्टली सिलाइल ग्रुप अटैच्ड है, वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, वो यहाँ से रिप्लेस होगा. इसी को ही हम यहाँ पर इप्सो सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं. दिस सेलेक्टिवली कम्स फ्रॉम द सेम प्रिंसिपल एज दोज यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. द इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस द मोस्ट स्टेबल कैटायन. जैसा कि हम नॉर्मल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर अटैक करता है, उस पोजीशन पर अटैक करता है, एरोमेटिक रिंग की उस पोजीशन पर अटैक करता है जहाँ से बनने वाला इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म में बने, यानी मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो. तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअल में इप्सो पोजीशन पर इसलिए अटैक कर रहा है, इसलिए ऐड हो रहा है, क्योंकि इससे बनने वाला कैटायन या इससे बनने वाला जो व्हील एंड इंटरमीडिएट है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. किसके कंपेयर में? ऑर्थोमेटा पेरा सब्स्टिट्यूशन के कंपेयर में. सो हियर द सिलिकॉन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम. आफ्टर दैट व्हेन एडिशन टेक्स प्लेस, आफ्टर दैट क्लीवेज ऑफ दिस वीकेंड कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड टेक्स प्लेस एंड द न्यूक्लियोफाइल कैप्चर्स दिस सिलाइल ग्रुप एंड इप्सो प्रोडक्ट फॉर्म्स. तो ये कैसे हो रहा है हम इसको इस रिएक्शन से बता सकते हैं. सबसे पहले हमने एक कंपाउंड ले लिया, दिस इज फिनाइल, दिस इज एराइल सिलेन ट्राइमिथाइल सिलेन, एराइल ट्राइमिथाइल सिलेन और फिनाइल ट्राइमिथाइल सिलेन. सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर अटैक होगा. कौन सी पोजीशन पर अटैक करवा रहे हैं हम? इप्सो पोजीशन पे. जब इप्सो पोजीशन पर आप अटैक करवाओगे तो इस तरह का इंटरमीडिएट बन गया जिसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो इस तरह से स्टेबलाइज होगा. देखिए, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय बीटा सिलिकॉन. देखिए, ये जो पोजीशन है अगर हम ट्राइमिथाइल सिलेन ग्रुप के कंपैरिजन में देखें तो दिस इज द ऑर्थो पोजीशन. ओके, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा एंड दिस इज पेरा पोजीशन. तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या आया है? पॉजिटिव चार्ज. ओके, पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर वैकेंट पी ऑर्बिटल है. ओके, वैकेंट पी ऑर्बिटल.
that p orbital is just perpendicular to the plane of the benzene ring, perpendicular to this planar system. तो ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है ये पूरी तरह से अलाइंड है सिलिकॉन कार्बन सिग्मा ऑर्बिटल के साथ में. ओके, सिग्मा सिलिकॉन कार्बन फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल के साथ में पूरी तरह से अलाइंड है. तो ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है ये कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्राप्त करता है इस सिग्मा ऑर्बिटल से. ओके, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से ये कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे प्राप्त करता है और जिससे एक बहुत ही स्टेबल एक कार्बोकैटायन को एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाती है. तो ये यहाँ पर इप्सो सब्स्टिट्यूशन के दौरान यहाँ पर एक हमको ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिलता है, इसीलिए यहाँ पर इप्सो सब्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिफर्ड होता है ऑर्थोमेटा पेरा की अपेक्षा. ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर के कारण यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो कुछ इसकी क्वांटिटी में कमी आएगी, ये डीलोकलाइज होगा और यहाँ पर थोड़ा सा ये ज़्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा. उसके बाद में देखिए, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिलिकॉन कार्बन सिग्मा ऑर्बिटल से इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र होगी तो ऑब्वियसली कार्बन सिलिकॉन जो सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा. और वीक होने के बाद में ऑलरेडी हमारे रिएक्शन मिक्सचर में और सॉल्यूशन में कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियोफाइल इस SiMe3 जो ट्राईमिथाइल सिलेन ग्रुप है इसको यहाँ से हटा देगा, यहाँ से कैप्चर करके बाहर निकाल देगा और ये पूरी जो सिग्मा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वापस से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स में शिफ्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और हमको यहाँ पर फाइनली इप्सो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होगा. तो फाइनली जो फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, सबसे पहला क्या होगा, द स्टेबिलिटी ऑफ सिलेन ग्रुप, यानी सिलेन ग्रुप की प्रेजेंस के कारण हमें जो स्टेबिलिटी मिल रही है इंटरमीडिएट में वो इसका एक फैक्टर है. दूसरा फैक्टर होगा द क्राउडिंग इन बेंजीन रिंग सिस्टम हिंडरिंग द पोजीशन ऑन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक. अगर इस सिलेन ग्रुप के अलावा अगर दूसरी जो ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशंस हैं उस पर अगर क्राउडिंग है बेंजीन रिंग में और पोजीशन जो है वो हिंडर्ड हैं तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन पर नहीं होगा, वो प्रिफरली इप्सो पोजीशन पर ही होगा. तो ये डिस्क्रिप्शन था इन दो क्वेश्चंस, दो एमसीक्यू क्वेश्चंस और एक शॉर्ट क्वेश्चन. इसके बाद भी जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा. नाउ सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर.